आज आपको मस्जिद दिखाता हूँ पूरी कैसे है, यहाँ पे नमाज कैसी होती है। भाई नीचे से मस्जिद बेसमेंट, यहाँ पे फूड मिलता है जो कि डोनेट होते हैं इसके पैसे। आप में से कौन कौन ये सोचता है कि यहाँ पे 10 लाख रुपए पड़े हुए मिल जाए, ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। कनाडा ने एक और नया रूल चेंज करा है। हेलो एवरीवन, सलाम अलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शाह व्लॉग्स। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो भाई मैं रेडी हो रहा हूँ जुमे की नमाज के लिए, आज यहाँ पे जुमा है, तो चलते हैं नमाज पढ़ने, उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें आज। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस व्लॉग। आज आपको मस्जिद दिखाता हूँ पूरी कैसे है, यहाँ पे नमाज कैसी होती है, पॉसिबल हुआ तो वीडियो बनाना, सब कुछ रिकॉर्ड करके आज आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मस्जिद में 2 नमाज होती है, 1:30 बजे और 2:30 बजे। तो मैं अभी 2:30 बजे वाली नमाज के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, मस्जिद में ऊपर भी नमाज होती है और नीचे भी। पिछली बार जब गया था तो मैं ऊपर का बंद हो गया था, वो पूरी फुल हो गई थी, तो मुझे बेसमेंट में जगह मिली थी। तो आज देखते हैं कहाँ पे जगह मिलती है मुझे। कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताओ, स्मार्ट लग रहा हूँ क्या थोड़ा बहुत टोपी वोपी लगाकर। मस्जिद के पास और ये सब गाड़ियाँ जो खड़ी रहती है ना यहाँ पे साइड में, अभी दिखी नहीं, ये सारी उसी की रहती है मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं। जुमे में भाई देखो पूरी पार्किंग आज फुल रहेगी। अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं अभी आपको, शायद अंदर कुछ बोल ना पाऊँ तो बस आप देख लेना ऐसे ही। लो भाई जो मैंने बोला था वही हुआ, मस्जिद फुल। तो यहाँ से नहीं दिखा सकते मस्जिद को आपको, पहले मैं दिखा चुका हूँ मस्जिद, ऐसे ही आपको आज दिखाता हूँ। बेसमेंट में जाना पड़ेगा, बेसमेंट का रास्ता है। अजान शुरू हो गई भाई, 1:30 बज गए, 1:30 बजे नमाज है। ये नीचे का वजू खाना है भाई, नीचे से मस्जिद बेसमेंट। यहाँ पे मदरसा भी है नीचे। यहाँ पे फूड मिलता है जो कि डोनेट होते हैं इसके पैसे, तो हर जुमे को मिलता है यहाँ पर। जुमा हो गया अपना, 2 बज गए। ये अब खुल गया गेट क्योंकि लोग बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे भाई लेडीज़ भी पढ़ती हैं नमाज, उनके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है ऊपर। ये सब लोग नमाज पढ़ के निकले भाई। रात में ना बड़ा कम सोया मैं, और आज वैसे भी मेरी, आज तो मेरे ऑफिस की छुट्टी है तो रात में आराम से सो सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो नींद पूरी रात में करेंगे, अभी कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं अच्छी अच्छी, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शूट करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी उसको लाइक कर रहे हैं वीडियोस को जो मैं बना रहा हूँ, तो मोटिवेशन मिलता है ऐसे। सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे गेन हो रहे हैं, 2-3, 2-4 जो भी होता है वो डेली अपग्रेड हो रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे मोटिवेशन मिल रहा है न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। तो देवी और सज्जनों आप बोलोगे कि भाई अभी तो तू जुमे की नमाज़ पढ़ के आया था, उसके बाद डायरेक्ट रात में स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी एक वजह है कि रात में मैं सोया नहीं था कल वाली रात में, तो आज मैं आके सो गया और अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। और आप टाइम देखो, ये बज रहे हैं 12। तो जो इंसान दिन में सोएगा वो रात को जागेगा। अभी मारिया आई थी, उसने बताया कि जो उसका पुराना वाला घर है वहाँ पर उसके जो लेटर बॉक्स है उसके अंदर कुछ लेटर्स वगैरह पड़े हुए हैं उसके। चलते हैं मारिया के पुराने वाले घर पे, वहाँ से लेकर आते हैं उसके वो लेटर्स वगैरह जो भी उसके लेटर बॉक्स में आए। मौसम आज इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। कितना है टेम्परेचर अभी? 16 हो रहा है, 12 बजे, तो अभी मौसम ठीक है, लेकिन मैंने जैकेट पहनी हुई है क्योंकि 16 में भी एक जैकेट की ज़रूरत रहती है, तो वो जैकेट मैंने पहन रखी है। ये हो गया वाइट, इसलिए हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो ये कोई आवाज़ नहीं निकालता, बस ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है। ये नहीं कहता कि भाई तुम चल सकते हो, स्टॉप स्टॉप तो बोलता है लेकिन चलने के लिए कुछ नहीं बोलता, चलने के लिए सिर्फ बोलता है टियूं, टियूं, टियूं। ये एक चीज़ बताओ कि ये जो खाली रोड पे हम चल रहे हैं, और ऐसे खाली रोड पे जब आप लोग चलते हो, आप में से कौन कौन ये सोचता है कि यहाँ पे 10 लाख रुपये पड़े हुए मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए? ऐसा भाई सब सोचते हैं। तो अभी मारिया और मैं ये डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोग कमेंट करके बताओ ऐसा आप सोचते हो या नहीं कि रोड पे हमें 10 लाख रुपए पड़े हुए मिले,
तो आप लोग ये कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं तो भाई कह रहा हूँ कि हाँ सोचते हैं, और मारिया कह रही है नहीं सोचते, तो देखते हैं ऐसा लोग सोचते हैं नहीं, तो आप कमेंट करके बताओ। मैंने ले लिए, मिल गया, और आप ये देखो पूरा खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है इस रोड पे, सिर्फ तुम्हारा भाई नज़र आ रहा है, वो भी परछाई में, पूरा खाली पड़ा है। सारी गाड़ियाँ देखो एक ही तरफ मुँह करके लगी हुई हैं, जैसे ये इधर लगी हुई ना, सारी एक जैसी एक ही तरफ आगे की तरफ, और जो लेफ़्ट साइड लगी हुई है मेरे, वो इधर की तरफ मेरी तरफ लगी हुई है, और दूसरी वाली अपोजिट साइड। तो सारी गाड़ियाँ ऐसी लगती हैं, एक भी गाड़ी इधर उधर नहीं होती, सारी जैसी तरीके से लगती हैं। आप ये देखो, कनाडा ने एक और नया रूल चेंज करा है, डिलीवरी ऐप्स होती है ना, फूड डिलीवरी ऐप्स, उनके रिगार्डिंग। तो अभी तक क्या था कि वो भाई ऐसे ऑर्डर के हिसाब से कमाते थे, कितना भी आता था, लेकिन अब उन्होंने फिक्स्ड उसका एक वेज कर दिया कि इतने डॉलर पर आर उनको मिलेंगे। उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा जो कि कल या परसों में अपलोड होगी। तो ये भी एक अच्छा काम हुआ अभी यहाँ पर। और पहले क्या था कि उनको डायरेक्ट निकाल देते थे बिना कोई नोटिस दिए, तो अब ऐसा नहीं है, उनको उनका अकाउंट एकदम से सस्पेंड नहीं हो सकता, और उनको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे उनके राइट्स के लिए अच्छा हुआ, फूड डिलीवरी ऐप्स पे जो डिलीवरी करते हैं, जैसे कि ऊबर ईट्स और डोडैश वगैरह पर, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इसके बारे में मैं बनाऊँगा एक डिटेल वीडियो, या तो कल रिकॉर्ड करूँगा या परसों, तो बहुत जल्द वो चैनल पर आएगी। चाय वाला ऑफ लंदन, और ये है चाय वाला ऑफ इंडिया, क्योंकि हम घर पे खुद चाय बना लेते ना, इसलिए हम चाय वाला ऑफ इंडिया है। तो अभी हम घर पे जाके चाय बनाएंगे। आ जा भाई, आ जा दोस्त। ये देखो, पता है क्या है, अगर पता चल गया तो कमेंट करो, मैं नहीं बताऊंगा। अगर नहीं पता इसके बारे में तो ये भी कमेंट करो क्या है। एक बहुत अच्छी मेमोरी है पुराने ज़माने की हमारी, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 7-8-10 साल पहले की बात होगी, तो याद करो क्या चीज़ है। मेल्स लगे हुए हैं, ये देखो आप, तो इसी के अंदर आते हैं लोगों के सबके मेल्स, ऐसे नहीं है कि किसी के एक सबके घर पर आते हैं, जितने भी ये घर है ना सबके मेल्स यहीं पे लगे हुए हैं, इसी के अंदर आते हैं वो सब, सबके नंबर लिखे हुए हैं, देखो सब पे नंबर लिखे हुए हैं, और उसी के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों अभी बज रहे हैं यहाँ पे सुबह के 5, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया हो। टेक केयर, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।